हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो IBPS क्लरिकल का जो फाइनल रिजल्ट है वो आउट हो चुका है आज। तो अपने बात करते हैं इसकी कट ऑफ वगैरह क्या कुछ रही है, तो वैकेंसीज वगैरह क्या कुछ थी, तो कंप्लीट डिस्कशन होगा वीडियो में, अंत तक बने रहें। तो ये अपने पास आ चुका है यहाँ पे नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन को अपनों ने पहली बात बता दूँ, यहाँ पे कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है मेंस के अंदर। आप लोग देख सकते हो कि जितने आपने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं और जो रॉन्ग किए हैं, सिर्फ वही आपको डेसिमल में राउंड ऑफ करके आपको मार्क्स दिए गए हैं। कोई भी नॉर्मलाइजेशन मेंस में नहीं हुआ IBPS क्लरिकल के, और ये पूरा नोटिस IBPS की तरफ से, आप इसको रीड कर सकते हो। बाकी अपने वैकेंसीज पे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि स्टेट वाइज वैकेंसीज है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा और सबकी वैकेंसीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अपने मेजर स्टेट की बात कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश आ चुका है अपना, और इसके बाद अपना आ चुका है अरुणाचल प्रदेश, असम की देख सकते हो आप, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ आ चुका है, नई दिल्ली की वैकेंसीज टोटल 372 वैकेंसीज है, गोवा के अंदर 60 वैकेंसीज है, गुजरात के अंदर 574 वैकेंसीज है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भर के वैकेंसी दी है, 248 वैकेंसी बैंक ऑफ बड़ौदा की है, ये एक अच्छी चीज़ है। पंजाब नेशनल की है 110 वैकेंसी, हरियाणा के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा की 0 वैकेंसी है, हिमाचल के अंदर, जम्मू के अंदर, झारखंड, कर्नाटका के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा की 239 वैकेंसी है, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा 0, और राजस्थान के अंदर 396 टोटल वैकेंसी है, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में 1462 वैकेंसी टोटल। और ये मैक्सिमम स्कोर है जो आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, ये कट ऑफ नहीं है, ये आप लोगों की कट ऑफ है जो 100 में से रही है, और ये आपकी रिजर्व लिस्ट वाली कट ऑफ है। तो इस कट ऑफ को अपने थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से। तो ये वाली जो कट ऑफ है यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको, सभी स्टेट की आप यहाँ से देख सकते हो। जनरल की कट ऑफ यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो स्टेट वाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।